हमारे साथ शंकर, शबीहाला और धवल हमारे साथ बैठे हुए आप देख सकते हैं। तो हम पहले धवल से बात करेंगे, वो क्या स्टडी के बारे में क्या एडवाइस देना चाहते हैं सब बॉयज़ से और क्या बोलना चाहते हैं। तो धवल जी, आप क्या कहेंगे सब बॉयज़ से? मेरे ख्याल से बैकलॉग आना बहुत ही नॉर्मल बात है। अच्छा, गुड गुड गुड, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या किसी को बैकलॉग आए या ना आए, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई किस तरह है। मतलब कि आप प्रैक्टिकली नॉलेज रखते हैं तो आपको बैक आना तो पॉसिबल ही है कि आपको आ भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि आपकी थियरी कमज़ोर होगी प्रैक्टिकल की वजह से, क्योंकि आप पूरा ध्यान नहीं आप दे पाएंगे, इसकी वजह से बैकलॉग आने चांसेस है। तो मींस आप ऐसा बोल रहे हैं कि डिप्लोमा क्लियर ही नहीं, क्लियर मींस ना हो तो मींस बैकलॉग आए तो कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेने का, ऐसे पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, कंटिन्यू रखने का, कंटिन्यू रखने का, कंटिन्यू रखने का, दिमाग पे जोर नहीं डालने का, ऐसा बोल रहे हैं। हां अच्छा, तो और कुछ आप बोलना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देंगे हमारे बच्चों को? नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही। धवल ने जो भी कहा वो आप सुन ले सकते हैं और आप अपने माइंड में उतार सकते हैं। अब हमारे साथ शबीहाला बैठे हैं तो हम उससे कुछ पूछेंगे। शबीहाला, आपके मीन्स ए रीजन में हो अच्छा फिलहाल, तो आपके एस पी क्या है, कौन से सेम में क्या है, आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? सेम में आज मेरे सेम में एस पी आई 9.5 आई है मेरा। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और पहले सेम से ही मेरी एस पी आई तो अच्छी आ रही है, लेकिन एक पहले सेम से और आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। अच्छा, वो तो होता ही रहता है, पढ़ेंगे। एक बैकलॉग आई है मेरे को अब तक, वो भी इंटरनल जो बैकलॉग होती है। इंटरनल कैसी आई? वो सर गोयल सर की एक मिस्टेक हो गई थी, बाय मिस्टेक, माय बाय मिस्टेक आई थी बैकलॉग, बाकी कभी टॉप पर है, कभी फेल नहीं हुए। और एस पी आई कब आपकी कितनी हाई रही है पहले सेम से, आप बता सकते हैं? पहले सेम में मेरी एस पी आई आई थी कुछ 8.4। अच्छा, और उसके बाद सेकंड सेम में तो जो सर की मिस्टेक हुई थी तो बैकलॉग, उसके बैकलॉग। थर्ड सेम में फिर मेरी 8.8 आई थी, 8.8। अच्छा, फोर्थ में 8.6 आई थी, 8.6। फिफ्थ में 9.5 आई है। तो सभी सर अभी भी 8.6 से नीचे उतरे नहीं है, उसको आगे बढ़ना है। और आपका सेक्शन का एम क्या है, सेक्शन में कितना आना चाहिए? सेम में 9.7। और एक खास बात कि पहले सेम से आज तक मेरा सेकंड नंबर ही आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सेकंड में आप बने रहे। एक फर्स्ट नंबर आप फर्स्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सेकंड ही अच्छा है, सेकंड ही अच्छा है आपके लिए, लकी नंबर बोलते हैं वो सेकंड नंबर। अच्छा, ओके। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं बच्चों को, क्या कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? एडवाइस तो यही है कि बैकलॉग आए तो आनी चाहिए, आनी चाहिए, टेंशन नहीं लेने का। इंजीनियर बिना बैकलॉग के नहीं नहीं बनते। ओके, देखो क्या लाइन कही है सभी, इंजीनियर बिना बैकलॉग के नहीं बनते। अच्छा, और क्या बोलना चाहते हैं? और कुछ नहीं, बस बस इतना ही, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सभी। और हमारे साथ सभी हाला बने रहे थे और अब आए हमारे साथ शंकर। क्या बोलेंगे आप स्टडी के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे आपने जर्नी के बारे में? जी पी बोल गए, फिफ्थ तक आप आ गए, क्या आपकी जर्नी कैसे, आपके फ्रेंड्स सब बताओ आप। लेकिन सबसे पहले मैं तो जब जी पी बोज में आया तब वहाँ मेरे पर कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो कुछ दिन रहने लगे तो फिर अच्छे दोस्त बनते रहे, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा के ये। आपके पहले दोस्त कौन बने, आप नाम लेना चाहते हैं उनके? पहले सभी बने, सभी आला, वो भी आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर हमारे। धवल भी आई थिंक आपके फ्रेंड से, धवल भी सब अभी भी साथ में है, आप अच्छा है। और आप क्या बोलना चाहते हैं स्टडी के बारे में? स्टडी बारे में हमारा रिजल्ट फर्स्ट सेम में तो अच्छा नहीं था, लेकिन थर्ड सेम से कुछ अच्छा रहा और सामने सब दोस्त टूट की और बहुत इंजॉयमेंट किया। कुछ कुछ दिनों बीच में हमने गेम्स खेली, मस्ती की, बहुत मज़ा आया। फिर लगने लगा ये फील बहुत अच्छा है, इसमें अभी भी पढ़ाई करनी है। मीन्स आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, पहले इंटरेस्ट नहीं था इतना, फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, ओके। तो फिर आपका मीन सर से अच्छी बनती थी या ऐसे ही? सर से भी दोस्ती होने लगी तो और मज़ा आने लगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट मिलने लगा। मीन ऐसे फ्रेंड आप मस्ती करते सर के साथ, सर आपको पढ़ाते अच्छे से। और अच्छा, वो क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, आप बोल सकते हैं? अभी फिफ्थ सेम में कौन सा था आपका फेवरेट सब्जेक्ट? वो DWP मार्क अच्छा सा। तो आपने हाई रैंक भी उसमें ही किया होगा। अच्छा, आपकी रैंक क्या है फिर से आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? फिफ्थ सेम में 8.9 SPI आए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, 8.9 मेरे से भी आगे है और मुझे कोई जलन नहीं है क्योंकि मेरा भी फ्रेंड है, ये सब हंसते हंसते से, लेकिन कोई कुछ नहीं है, मेरा फ्रेंड है, मेरे से आगे है बस। और क्या बोल, और सिक्स सेम में भी ट्राई करूँगा कि 9 अप आए। आप मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको 9 अप आ जाएंगे। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो भाई, उतारो बारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।